दिल्ली एनसीआर के लोग एक तरफ जहां उमस भरी गर्मी का सितम झेल रहे हैं, वहीं पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल में जोरदार बारिश ने कहर मचा रखा है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के ज्यादातर इलाके इस वक्त उमस भरी गर्मी की चपेट में हैं। उमस भरे इस मौसम ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। मौसम विभाग की ओर से लगातार बारिश का पूर्वानुमान जताया जा रहा है, लेकिन बादल है कि बरस ही नहीं रहे। आमतौर पर इन दिनों में दिल्ली में ठीक ठाक बारिश होने की वजह से गर्मी थोड़ी कम होती है, लेकिन इस बार तो हालात बिल्कुल ही अलग है। इस चिपचिपी गर्मी से राहत पाने के लिए लोग बड़ी बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली में मंगलवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिकतम 39.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस साल जुलाई में सबसे ज्यादा है। इस साल जुलाई में पिछला अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस था, जो 12 जुलाई को दर्ज किया गया था। जुलाई 2023 का अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस था। 2022 में जुलाई का उच्चतम तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस था, जबकि 2021 में ये 43.5 डिग्री और 2020 में 41.6 डिग्री था, जबकि इस महीने का अधिकतम औसत तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस रहा है। दिल्ली वाले इस बार जुलाई में रिकॉर्ड गर्मी और उमस का सामना कर रहे हैं। अब की बार जुलाई महीने में ज्यादातर दिन और रात दोनों का तापमान सामान्य से अधिक रहा। 27.7 डिग्री सेल्सियस के औसत न्यूनतम तापमान के साथ इस बार का दिल्ली में जुलाई का महीना पिछले 10 वर्षों में सबसे गर्म रहा। जुलाई में सामान्य तौर पर अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन अब की बार जुलाई में तापमान और उमस बहुत ज्यादा रही, क्योंकि मॉनसून ज्यादातर दिल्ली से दूर रहा, जिसके चलते इस बार शहर में भारी बारिश नहीं हुई, इसीलिए यहाँ दिन और रातें गर्म रही। बुधवार को मानसून के उत्तरी मैदानों के करीब आने की उम्मीद है। अगले कुछ दिनों में उत्तरी मैदानों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों के लिए बुधवार को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा वहीं गुरुवार और शुक्रवार को भी जोरदार बारिश की संभावना जताई गई है। इन दो दिनों के लिए मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक रह सकता है। वहीं 1 और 2 अगस्त को अधिकतम तापमान 33 डिग्री व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। दिल्ली में जुलाई में अब तक पिछले साल की तुलना में 82% कम बारिश हुई है। हालांकि इस महीने बारिश सामान्य से 1% अधिक दर्ज की गई है। राजधानी में 1 से 30 जुलाई के बीच 203 मिलीमीटर बारिश हुई, वहीं पिछले साल इस अवधि में 384 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। 30 दिनों के दौरान कुल बारिश सामान्य से 83% अधिक थी। पिछले वर्ष जुलाई में भारी बारिश के कारण दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ जैसी सबसे स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस वर्ष मॉनसून 28 जून को दिल्ली पहुंचा। पहले दिन शहर में 24 घंटे में 228 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो 88 वर्षों में जून में एक दिन में सबसे अधिक बारिश थी। जुलाई में 17 दिन बारिश हुई, जबकि 2023 में 19 और 2022 में 18 दिन बारिश हुई थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मॉनसून के मौसम में दिल्ली में आमतौर पर लगभग 650 मिलीमीटर बारिश होती है।